दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि समर सीजन शुरू हो चुका है। समर सीजन का जबरदस्त फ्लावरिंग प्लांट है बेला। इसकी मनमोहक खुशबू हर किसी को दीवाना बना देती है। आपने भी घर पर बेला का पौधा अवश्य लगाया होगा। यदि नहीं लगाया है तो नर्सरी जाइए और बेला का एक प्लांट अवश्य ले आइए। बेला का प्लांट जिसने भी पहले से लगा रखा होगा तो उसमें आज फ्लावरिंग शुरू हो गई होगी। यदि आपका प्लांट फ्लावरिंग नहीं कर रहा है तो डोंट वरी, हम है ना आपके साथ, हम आपके प्लांट में फ्लावरिंग कराएंगे। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। प्लांट यदि ज़मीन में लगा हो तो उसकी केयर करने की, फर्टिलाइज़र देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। जबकि प्लांट गमलों में लगा होता है तो इसकी विशेष केयर की ज़रूरत होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि बेला जो है समर फ्लावरिंग प्लांट है। आपका प्लांट तभी फ्लावरिंग करेगा जब आपका पॉट 4 से 5 घंटे डायरेक्ट सनलाइट में हो। आज गर्मी तेज हो बहुत होने लगी है तो आप दोपहर के समय में जब धूप काफ़ी तेज हो तो आप अपने प्लांट को शेडेड एरिया में रख दें। नहीं तो तेज़ धूप से आपके प्लांट की पत्तियां बर्न हो जाएंगे और आपका प्लांट देखने में अच्छा नहीं लगेगा। और इसके साथ ही गमलों की मिट्टी जो है वो तेज़ धूप से गर्म हो जाएगी जो आपके प्लांट की जड़ों को डैमेज कर सकती है। तो मार्च के महीने में ही आपको अपने प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई करके उसमें मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र जरूर डाल दें। मोगरा प्लांट को मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र काफ़ी पसंद होता है। इसके फूल काफ़ी से जो फूल होते हैं वो काफ़ी मात्रा में निकलेंगे और वो उनका साइज़ जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा। यदि आपने ये काम अभी तक नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप अपने बेला प्लांट की गुड़ाई कर दें और उसमें 1 से 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद अवश्य डाल दें और उसमें वाटरिंग कर दें। आप देखेंगे कि 15 दिनों के बाद ही आपके प्लांट में ज़बरदस्त फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं उस समस्या की जो ज़्यादातर लोगों के पास आती है कि उनका प्लांट एक बार तो फ्लावरिंग कर देता है पर दोबारा उसमें फ्लावरिंग नहीं आती। तो इसके लिए एक काम करें कि आप देखते होंगे कि फ्लावरिंग होने के बाद फूल की खोल बच जाती है, वह इसके एक हिस्सा डाल में लगा रहता है, तो आप उससे 1 इंच के नीचे तक की जो टहनी होती है उसकी प्रूनिंग कर दें, उसको हाथ से पिंचिंग कर दें। तो जब आप पिंचिंग कर देंगे तो अब वहाँ से क्या होगा कि नई नई डालियों का फुटाव होगा और उसमें नए नए फ्लावरिंग बर्ड्स आने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप केयर करेंगे तो आपके जो प्लांट है उसमें बराबर जो है फ्लावरिंग होती रहेगी। तो इन छोटी छोटी बातों का यदि आप ध्यान रखते हुए मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र का सबसे ही अत्यधिक पतला घोल बना लें और इसे आप 15-15 दिनों के अंतराल पर प्लांट में देते रहेंगे तो आपका प्लांट फ्लावरिंग करता रहेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको यदि पसंद आया हो तो आप अपने एक लाइक, एक कमेंट और शेयर का हकदार हमारे इस वीडियो को बना दें। और हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबा दें।